हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य वाली है और आपका बालिस अकेडमी में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज भी मैं अपने साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो भी मेरे चैनल में मेरे साथ नया जुड़ा है, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को एक बार जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक आपने बार बार ये टॉपिक सुना होगा, वर्ड सुना होगा कि लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आज हम इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे कि आप ये देखिए, मेरे पास क्या है, ये एक लिक्विड है, वाटर बॉटल है मेरे पास। क्या है ये? वाटर बॉटल है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, कैसे पता लगेगा लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती? आपके सामने ये मैंने लिक्विड है, ये लिक्विड मैंने इस कांच के ग्लास में डाला, वाटर को। तो इस वाटर ने शेप रखी थी बोतल की। अब इसको मैंने इस ग्लास में डाल दिया, कांच के ग्लास में, तो अब इसने कांच के ग्लास की शेप ले लिया। अब मैंने इसको इस वाले स्टील के ग्लास में डाला, अब इसने इस स्टील के ग्लास की शेप ले लिया, अब मैंने इसको इस वाले अलग, ये भी स्टील का ग्लास है अलग शेप का ग्लास, अब मैंने इसको इस ग्लास में डाला, अब इसने इसकी शेप ले लिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो सिमिलरली मैं ये आपको ये एक्टिविटी दूध के साथ करके दिखाना चाहता हूँ। ये दूध को मैंने इस कांच के ग्लास में डाला, मैंने, आप देख सकते हैं इस कांच के ग्लास की शेप अलग है और इस कांच के ग्लास की शेप क्या है, अलग है। तो जब दूध को इस ग्लास में डाला इसने इसकी शेप ले ली, जब दूध को मैं इस ग्लास में डाला इसने इसकी शेप ले ली। अब मैं इस दूध को इस स्टील के ग्लास में डालूंगा, तो इस दूध ने क्या करा, इस ग्लास की शेप ले ली। इससे पता लगता है लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये जो मैंने मिल्क लिया था, ये मिल्क था सिर्फ 150 ml, ये मिल्क था सिर्फ कितना, 150 ml मिल्क था। जब मैंने इसको इस कांच के ग्लास में डाला तब भी ये कितना था, 150 ml। तो हमारे को इस एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि लिक्विड को जिस भी हम कंटेनर में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी मतलब कि वॉल्यूम क्या रहती है, सेम रहती है। इसलिए हम बोलते हैं लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।